हेलो गाइस, सो आज की जो क्वेरी होने वाली है बहुत ही क्लियर एक क्वेरी है जिसको मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एम्प्लॉय डेटाबेस में ये जो डिटेल्स टेबल है इसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, यूज़र नेम है और सैलरी है। हमें इस पूरी टेबल की डिटेल को फैच करनी है कैसे, सॉर्ट करके बेसिस अपॉन द लास्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ एन एम्प्लॉय यूज़र नेम। मतलब हमें क्या करना है, क्या ऑर्डर रखना है, जो डिटेल्स फेच करनी है कि जो एम्प्लॉय के लास्ट 3 कैरेक्टर हैं नाम के, उनके बेसिस पे हमें सॉर्ट करना है। जैसे कि अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें लास्ट 3 कैरेक्टर के हिसाब से ए जे ए ये सबसे पहले आएगा, लास्ट 3 कैरेक्टर, तो ये राजा का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। उसके बाद जो भी आएगा, मतलब शायद ये उदय आना चाहिए, जो भी है, तो लास्ट उदय नहीं आएगा, इसमें आना चाहिए उदय ही आना चाहिए, तो फिर उसके बाद आना चाहिए उदय का नाम। तो ऐसे हमें सॉर्ट करना है, मतलब किसी भी यूज़र नेम के लास्ट 3 कैरेक्टर के बेस पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें क्या फेच करनी डिटेल्स, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार अपनी टेबल का नाम फ्रॉम डिटेल्स वेयर, कंडीशन आ गई हमारी वेयर। अब वेयर के बाद हमें क्या करना है कि हमारा जो लास्ट के 3 कैरेक्टर हैं तो उसके हिसाब से हमें सॉर्ट करना है, ठीक है, ये बात हमको क्लियर है। तो हम लिखेंगे वेयर, तो वेयर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, हम लिखेंगे सीधे ऑर्डर ही करना है हमें, ऑर्डर बाय राइट। एक मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ये है राइट। अब ये जो राइट होता है ये क्या करता है कि जो भी हम इसके अंदर जो भी कॉलम की वैल्यू देंगे उसके राइट से चेक करना चालू कर देगा। तो जब मैं लिखूँगा इसमें कॉलम का नाम यूज़र नेम कॉमा 3, तो इसका मतलब ये है कि यूज़र नेम के लास्ट 3 कैरेक्टर्स चूज़ करने हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स ऑर्डर बाय राइट यूज़र नेम कॉमा 3, और जब मैं इसको गो करूँगा तो आप देख सकते हो राजा, उदय, प्रफुल्ल, अभिषेक, इसने हमें सॉर्ट करके दे दिया है, ठीक है। सो यही हम चाहते थे। साथ में ही अगर मैं इसमें कुछ कंडीशन लगाना चाहूँ, मैं कहूँ कि मतलब सैलरी 102 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, और अगर कोई यूज़र नेम की लास्ट 3 कैरेक्टर जैसे सेम आ गए तो हम फिर उसके बाद उसकी आईडी से सॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 102, ठीक है, और अब हम जाते हैं ऑर्डर ऑर्डर बाय राइट यूज़र नेम कॉमा 3, तो पहले जैसे ही है। साथ में ही अगर लास्ट के 3 कैरेक्टर सेम आ गए, अगर लास्ट के 3 कैरेक्टर सेम आ गए तो हम क्या चाहते हैं, फिर वो एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से सॉर्ट हो जाए। तो हम लिखेंगे इम्प आईडी, ठीक है। जब मैं इसको करूँगा गो तो ये क्वेरी भी ऐसे वर्क कर जाएगी, ठीक है। तो आज की क्वेरी में इतना ही था। आप इस क्वेरी के बेस पे एक हैकर रैंक पे क्वेश्चन भी है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब ऐसे सिमिलर क्वेश्चन है। और अब आपको क्या करना है, आप हैकर रैंक और लीड कोड पे जाओ, अब इतनी वीडियोस देखने के बाद आपको वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो जो जो मैं समझाता जा रहा हूँ, और जब तक हम 10-20 वीडियोस और कवर करेंगे आप ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कर ही दोगे वहाँ के सॉल्व, ठीक है। सो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।